हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल मंत्रा। हम लोग मैथमेटिक्स थर्ड और फोर्थ को पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे और आज ये आपका लेक्चर नंबर फोर्थ होगा। ओके, तो लेक्चर नंबर फोर्थ में आज हम लोग देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। कुछ आपके साथ में क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ कुछ लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद एक लेक्चर आपका और होगा और वो जो लेक्चर होगा वो आपका इनवर्स पर होगा। ओके, ये मेरी प्रोफाइल आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आइए, सीधे हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का आपका है लेक्चर नंबर फोर। तो लेक्चर नंबर फोर को हम लोग सीधे क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए, दिया गया है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो देखो, इसको आप ध्यान से देखना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक, खूब सारे यदि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो आप इजिली देखो 20 मार्क्स का आप बोल सकते हो। आपके एक यूनिट से पूछा जाता है, मोटा मोटी मोर देन 20 मार्क्स के ही आते हैं। यदि आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आसानी से 20 से 22 मार्क्स एक यूनिट से ला सकते हो। तो मैं आपके साथ तो क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, इसके साथ ही साथ आपके पास बुक होगी। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे आप लोगों के पास, बुक अवेलेबल होगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर होंगे यानी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इन मैं तो फिलहाल के टाइम पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप PYQ ही देखिएगा। ओके, क्योंकि यदि आप बुक की तरफ बढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आप यदि 5 ईयर्स के सॉल्व कर लेते हैं ना, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि ये जो सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ है, इसको ऐड हुए 3 से 4 साल, 3 साल हो गए आई थिंक, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। बट पहले ये टॉपिक हुआ करता था, ठीक, यानी सेकेंड थर्ड इधर से उधर टॉपिक किया गया है। तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नो डाउट आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इस यूनिट से जितने भी मार्क्स पूछे जाते हैं, आपका यूनिट 1 से 20 to 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, ये श्योर है, ये हमेशा आता है, ठीक, और इस बार भी आएगा। 20 से 24 मार्क्स पूछे ही जाएंगे यूनिट 1 से। तो यदि आप इस हिसाब से, पता है, यदि आप इस हिसाब से 3 यूनिट को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो आप 62-70 मार्क्स लाने के लिए आप तैयार हो। ओके, हालांकि मैं आपके साथ पांचों यूनिट डिस्कस करूंगा ताकि आप मोर देन 80 नंबर्स ला सके मैथमेटिक्स में। चलिए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरी रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में एक यही छोटी सी प्रॉब्लम होती है। यदि हम लोग लाइव होते हैं तो लाइव भी हम लोग चेक कर लिया करते हैं। जस्ट वेट, यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, तो हम लोग सीधे जंप कर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, क्वेश्चंस दिया गया है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t इंटू कॉस 3t। देखिए, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, कौन सा? देखिए, इससे भी पहले आपने क्या क्या जाना है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको पिछले लेक्चर्स की तरफ लेकर के चलता हूँ तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हमने क्या क्या देख रखा है पिछले क्लास में। वहाँ से आपको फार्मूले के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। चलिए, धीरे धीरे हम बढ़ा के चलते हैं। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे, साथ ही साथ मैंने इसको डराइव भी करवा रखा था। देखिए, जैसे आपके पास क्या है, sin 80 का फार्मूला आप जानते हो, a डिवाइडेड बाई, ये रहा भाई। ओके, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ओके, यस, देखिए sin 80 का जो फार्मूला है वो क्या है, तो sin 80 का फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, तो a डिवाइडेड बाई s² प्लस a² cos 80 का, इसका भी आप देख लीजिए साथ। ये तो आपको क्या थे, आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे ना, इनको मैंने बोला था कि आप ध्यान में रखिएगा, ये हर जगह आपके साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, आप इसको यूज कर पाओगे। तो यदि आप अपने इस वाले क्वेश्चंस को देखते हो, ठीक, जो कि लेक्चर नंबर फोर्थ में है, चलिए कलर में चेंज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है, sin 2t इंटू cos 3t, ठीक, और आप जानते किसका फार्मूला हो, आप जानते हो sin 80 का। साइन 80 का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, फार्मूला इन द सेंस लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, प्रिसाइजली लिख दिया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था क्या बताइएगा। तो आप बोलोगे कि सर ए डिवाइडेड बाई s² प्लस a²
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और आप कॉस की बात करते हैं, कॉस ए टी का, तो कॉस ए टी का क्या है, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपने फार्मूला अभी आपको मैंने पीछे दिखाया। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे साइन टू टी है इन टू कॉस थ्री टी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने फार्मूला बचपन में पढ़ रखा होगा, साइन ए इंटू साइन बी का, ओके, क्या होता था, तो आप जानते हैं ना कि हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, सेम इसी वाले फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू टू टी है, बी की वैल्यू कितना है, थ्री टी है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा हाफ, ओके, आपको मिल जाएगा हाफ कॉस टी माइनस कॉस फाइव टी। ठीक, ये क्या है भाई, ये आपका है साइन टू टी इंटू साइन थ्री टी इंटू साइन थ्री टी, ओके। तो हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना था, हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन टू टी इंटू साइन थ्री टी का, यस, इसी का लैपलास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका लैपलास ऑफ हाफ, आप बोल सकते हैं कॉस टी, ओके, कॉस टी माइनस कॉस फाइव टी, कॉस फाइव टी। एक सेकेंड, ये हाफ आपका इधर होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा ना, यस, ओके, ये रहा। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए हम इसको लिख सकते हैं, हाफ को हमने सीधे बाहर निकाल लिया, और लिख सकते हैं लैपलास ऑफ कॉस टी माइनस लैपलास ऑफ कॉस फाइव टी। अब देखिए आपके पास फार्मूला है, अब आप काफ़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कॉस ए टी का मैंने फार्मूला आपको दिखाया था, एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो कितना आएगा, ये हो गया आपका हाफ, ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। वन स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है ए टी, ठीक, यहाँ पर क्या है टी है, तो हम लिख सकते हैं इसको वन टी, बिल्कुल। तो ये क्या है, यही हमारा ए है, ओके, माइनस एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे फाइव है, तो यहाँ पर कितना हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फाइव स्क्वायर। देखिए ये एस है, ये फाइव है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा ट्वेल्व एफ डिवाइडेड बाई, ओके, ट्वेल्व एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, ये आपका आ जाएगा आंसर, ओके। बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी इंटू साइन थ्री टी। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करा दिया, ठीक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ लिया करिएगा, ओके। चलिए आइए आपके साथ मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक, आपके साथ मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हर साल और उम्मीद है कि इस बार भी आएंगे, ठीक। आपके साथ वही सारे क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, फाइंड, ओके, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हो फाइंड लैपलास ऑफ एफ टी वेयर, देखिए फंक्शन को इसने कैसे डिफाइन किया है, वेयर एफ टी इक्वल टू वन, ओके, कब भाई, जब आपका टी कुछ इस प्रकार पे डिफाइन है, वन प्लस टी, कब, जब टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
कुछ इस रेंज में आनी चाहिए। साथ ही साथ इसके बाद देखिए जीरो कब, जब टी इज ग्रेटर देन टू, जब टी की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जा रही है तो आपका पूरा पूरा फंक्शन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक, यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ये सीधे 10 मार्क्स का आएगा। ओके, ये 10 मार्क्स का आएगा। चलिए आइए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने डेफिनेशन की तरफ, जो मैंने आपको पहले दिन डेफिनेशन बताई थी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यस, ये फार्मूला आप सभी लोगों को याद होगा। चलिए अब देखिए, लिमिट हम लोग जैसे जैसे दिया गया उस हिसाब से हम लोग लिमिट पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है, 0 से 1। ठीक, क्या है लिमिट 0 से 1, तो हमने लिखा यार 0 से 1 क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। ठीक, एफ टी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 है, डी टी दूसरी लिमिट, दूसरी लिमिट देखिए 1 to 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 to 2 ई टू द पावर माइनस एस टी। अब एफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 + t, तो ये हो गया आपके पास 1 + t प्लस ग्रेटर देन 2, तो यानी 2 से लेकर के हम कहाँ तक जाएंगे भाई, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, और ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे डी टी लिखना हमने छोड़ दिया था, और इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटू 0 dt। तो ये तो पूरा का पूरा आपका कैंसिल ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई यदि आप किसी भी नंबर में करेंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम लोगों को इंटीग्रेट करना है इस वाले पार्ट को। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जानते हैं आप सभी लोग, बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इन चीज़ों को आप क्या करिएगा, एक नोटबुक बनाइएगा, वहाँ पे फार्मूले वगैरह को लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ओके, तो इंटीग्रेट यदि आप करते हो तो ये क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, तो लिमिट आपकी है 0 से 1 प्लस। आइए इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर दें, इसको आप कैसे करोगे, आप इसको चैन रूल से इंटीग्रेट करिए, आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा चेन रूल। ठीक, चेन रूल से आप इसको इंटीग्रेट करिए। बाय द वे, आप बाय पार्ट भी लगा सकते हैं, आप को जो भी आसान पड़े आप उस हिसाब से करिए, मैं चेन रूल को फॉलो करने जा रहा हूँ। चलिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 + t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। इसके बाद क्या लिखे हम बताइएगा, इसके बाद माइनस। ओके, इसके बाद माइनस, अब इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1 + t को, सॉरी इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। हाँ, तो इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से मिल जाएगा 1 इंटू, फिर इस वाले पोर्शन को इंटीग्रेट करिए, तो ये आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस स्क्वायर। ओके, यस, लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास है 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2। चलिए सारे वैल्यू को इसमें भरिए और इसके बाद आप कैलकुलेट करिए। हालांकि देखिए ये क्या हो जाएगा, 0, तो इधर हमने लिख दिया 0। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हायर लिमिट को फिल करते हैं। चलिए हायर लिमिट हमने रखा, हायर लिमिट क्या है, 1 है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ई टू द पावर 0 कितना होता है, ई टू द पावर 0 यानी 1, तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, यार बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्या हो जाएगा भाई, 1 to the power minus s। ओके, आप चाहें तो माइनस एस को बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस सेम कहानी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हायर लिमिट रखिए, यहाँ पे हायर लिमिट आप कितना रखेंगे, तो 2, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई माइनस एस। ओके, माइनस
ये वन आपका है ही, टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू एस डिवाइडेड बाई माइनस एस का, इसको सीधे हमने कर दिया एस स्क्वायर, निगेटिव था तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ से। ओके यस, चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट में हम वैल्यू कितना पुट करेंगे, वन, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, टू, ठीक है, ये वाला पोर्शन इनटू इस वाले पोर्शन से क्या मिलेगा हमें, इस वाले से मिलेगा हमें ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस डिवाइडेड बाई माइनस एस, रुकिएगा मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि यहीं पे राइट हो सके, यस, ई टू द पावर माइनस एस, ये हो गया माइनस, सेम कहानी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी कितना आया, ई टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, ये टू एस होगा ना, क्योंकि हमारी हायर लिमिट कितनी है, टू है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ओके, अब आप इन सारी चीज़ों को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, आपका आ गया ये आंसर। हालांकि छोड़ना क्या है, आप एस स्क्वायर को एक साइड कर लीजिएगा, एस को एक साइड कर लीजिएगा, आप सिंपली सॉल्व करिएगा, आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा आंसर। इवन आप इतने पर भी छोड़ देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक, थोड़ा सा आप सेपरेट अपने साइड अपने हिसाब से कर लीजिएगा। कैसे सेपरेट करेंगे आप, तो देखिए मैं ये भी बता देता हूँ, आप क्या करिएगा, आप वन बाई माइनस एस को बाहर निकालिए, खोजिए कौन से कैसे हैं, सेम इसी प्रकार से वन बाई एस स्क्वायर को बाहर निकालिएगा, यानी बाहर निकालने का मतलब क्या है, कॉमन ले लीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं घर से बाहर निकालना। चलिए, ये मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, ठीक, आइए बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो चलिए, आइए मैं आपके साथ एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक, मैं आपके साथ एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज। ओके, पहली प्रॉपर्टी हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक। हालांकि मैंने इसको पीछे ही डिस्कस कर दिया, ठीक, समझिएगा कैसे, अपने चीजों को देख लिया। सपोज करिए, इफ आपके पास दे दिया गया हो लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन एफ टी का, ओके, तो आप जानते हैं हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ बार एस से, डेफिनेशन में मैंने बता रखा था, ठीक। साथ ही साथ कोई दूसरा फंक्शन आपके पास है, सपोज कर लेते हैं जी टी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जी बार ऑफ एस, ओके। देन यदि इस प्रकार से आपके पास फंक्शंस दिए गए हैं तो देन 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 यदि आपसे पूछा जाए लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए ए ऑफ एफ टी, यानी ये वाला फंक्शन प्लस बी इंटू जी एफ टी, ओके, जी एफ टी, तो उस केस में आपका क्या होगा लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो उस केस में आप क्या निकालेंगे, लिखेंगे आप ए एफ बार एस प्लस बी जी बार एस, जी बार एस, जस्ट वेट, किधर गया भाई, जी बार एस, ठीक, ये रहा जी बार एस, ये जी ही है, जी बार एस, मतलब एग्जाम्पल दिखाएं आपको, देखिए समझिए ये क्या कहा गया था, आपके पास कोई एक फंक्शन है एक एफ टी जिसका आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, जैसे जैसे देखिए आप जानते हैं ना साइन ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म, यदि आपको निकालना हो तो बिल्कुल आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म जानते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक कोई फंक्शन एफ टी जिसका आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, ठीक। एक आपके पास दूसरा फंक्शन है, सपोज कर लेते हैं हम लोग कॉस ए टी का, ओके, कॉस ए टी का, इसका भी लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, इसका क्या होता है, तो आई थिंक ये मेरी इमेज से ढक रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्या होता है, इसका होता है एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी मैंने आपको पीछे बताया। अब आपसे देखिए क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं चलिए जी एफ टी, ओके, बिल्कुल,
तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल करके बताइए किसका, साइन एटी का प्लस कॉस एटी का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लिखेंगे लैपलास साइन ऑफ एटी प्लस लैपलास कॉस ऑफ एटी। बस यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी कहलाती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड हमने पहला ही क्वेश्चन आपके साथ करा दिया। देखिए क्या है भाई, सेम कहानी है। देखिए दो पार्ट में हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया है, ये रहा देखिए कास टी माइनस कास फाइव टी। ठीक, कास टी माइनस कास फाइव टी। तो हमने क्या किया है, देखिए अलग 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 अलग, देखिए ये हो गया, ये हो गया, तो वो क्या हो गई, वो आपकी हो गई लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया, प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दूसरी मैं प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, आंखों पे ज़्यादा लोड ना डालना हो, स्ट्रेन वगैरह ना है। तो एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है, यदि आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, चलिए लैपलास ऑफ एफ टी, ठीक, ये आपको क्या है पता है, कितना एफ बार एस। ओके, बाय डेफिनेशन आप जान सकते हो। देन तब यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए, ठीक आप बताइए लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी। ओके, ई टू द पावर ए टी एफ टी, आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपकी जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि आप क्या करिएगा, आप एफ बार एस एस माइनस ए से क्या कर दीजिए, यानी आपके पास जो एस है इसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, क्वेश्चंस आपके पास कुछ इस प्रकार से, आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालिए ई टू द पावर टू टी इंटू साइन टी का। ठीक, देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक क्या है आपके पास ई टू द पावर टू टी है, दूसरा साइन टी है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बिल्कुल क्या होता है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी कितना है, तो आप बोलेंगे ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये क्या हो गया है, यही आपका हो गया एफ ऑफ टी। ठीक, यही हो गया आपका एफ ऑफ टी। अब इसी एफ ऑफ टी के साथ क्या है, ई टू द पावर टू टी है, तो इसको हम लोग किस प्रकार पे कर रहे थे, एफ बार एस से, एस माइनस ए से, यानी एस को हम लोग रिप्लेस कर दिए एस माइनस ए, एक जगह पे क्या करेंगे टू। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, तो देखिए ये क्या है टू जो है, यही आपका हो गया ए, तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, तो एफ बार एस माइनस ए, यानी एस को रिप्लेस करने वाले हैं हम एस माइनस टू से। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो गया आपके पास ए डिवाइडेड बाई, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ वहाँ पे एस माइनस टू कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे वन है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे वन लिख देंगे। ओके, ये रहा भाई वन, वन हो गया, ये आपके पास आ गया ए वन डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एस स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपके पास प्लस फोर मिल गया माइनस फोर एस प्लस वन, ये वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फाइव, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से
करेंगे। ओके कुछ इस प्रकार से इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। आइए आपके साथ मैं एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं। चलिए प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से अच्छा है कि मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ। ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, यानी अच्छा खासा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कुछ आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि फाइंड ओके फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू टू कॉस फाइव टी माइनस थ्री साइन फाइव टी, इसका क्या करिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपकी जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी आपको बताया वो भी लग जाएगी, साथ ही साथ अभी जो मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई ये भी लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले इसको हम लोग कलर पहले ही चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आप बोल सकते हो ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू टू कॉस फाइव टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक माइनस ओके अब हमने क्या लगाया माइनस। अब क्या करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू थ्री साइन फाइव टी ठीक। चलिए जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं तो ये हो गया टू लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू कॉस फाइव टी ठीक। यहाँ से क्या हो गया यहाँ से थ्री ये कांस्टेंट है इसको हमने बाहर निकाल लिया लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू साइन फाइव टी ठीक। अब देखिए आप लैपलास ट्रांसफॉर्म जानते हैं कॉस ए टी का, यस सर बिल्कुल जानते हैं, क्या होता है एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस बिल्कुल सर यही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है कॉस फाइव टी यानी ए की वैल्यू कितनी है फाइव है। तो मैं आपके क्लैरिटी के लिए यहीं बगल में लिखता हूँ क्या चीज लैपलास ट्रांसफॉर्म कॉस फाइव टी। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म कॉस फाइव टी का कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा हमारे पास कितना बताइएगा, बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं सर क्या होगा एफ डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर और देखिए ए की वैल्यू कितनी है फाइव है तो प्लस 25 यानी 5 स्क्वायर कितना होगा 25 होगा 25। सेम इसी प्रकार से साइन 80 का यानी साइन 5t का कितना हो जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए माइनस 380 है ठीक यानी माइनस 3t यहाँ पर भी है माइनस 3t यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर भी देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए आप, कौन सी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। देखिए जैसे यहाँ पे हमने किया तो हमने क्या करना है हमें अपनी चीज़ों को रिप्लेस करना है यानी एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो देखिए कॉस फाइव टी वाले में यानी यहाँ वाले में ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा हाइलाइटर कलर ये कलर अच्छा है देखिए इस वाले में हम क्या करेंगे एस को एस माइनस थ्री के साथ क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे ओके एस माइनस थ्री के साथ रिप्लेस करेंगे। किस केस के लिए, इस केस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे आपका एस जो है ये रिप्लेस होगा इसके साथ एस माइनस थ्री के साथ ठीक एस माइनस थ्री के साथ। और आप जैसा कि जान रहे हो यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक। ओ ये तो ऑटोमेटिक ले लिया भाई ठीक। मैंने क्या बताया था कि एस को हमें क्या करना है रिप्लेस करना है किसके साथ, तो एस हमारा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ एस माइनस थ्री एस माइनस माइनस थ्री यानी एस माइनस माइनस थ्री दैट इज एस प्लस थ्री के साथ।
चलिए करिए रिप्लेस, ये हो गया, यहाँ से आपको मिल गया टू। ओके, ये जो टू आपके पास बाहर था, और देखिए ये क्या है, एस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, देखिए ये क्या है एस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एस प्लस थ्री का स्क्वायर, ये क्या है टू, 25 है, ठीक, एस मत समझिएगा, ये 25 है। एक पोर्शन आपका ये वाला क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेम उसी प्रकार से इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करिए, उस पीछे सिंबल माइनस का है तो माइनस लगाइए। ओके, यहाँ से देखिए क्या है, e टू दी पावर माइनस थ्री टी है, यानी सेम चीज़ यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ देखिए कहाँ पर इस वाले पोर्शन पर रिप्लेस होगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर रिप्लेस सिर्फ करेंगे, यानी फाइव डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एस प्लस थ्री स्क्वायर प्लस 25। चलिए इन सारी चीज़ों को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 माइनस कितना मिल जाएगा भाई, 25 माइनस, चलिए मुझे सॉल्व करने ही दीजिए, या फिर आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिएगा, चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इसको। तो डिनोमिनेटर देखिए पूरा का पूरा सेम है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 25। ओके, न्यूमिनेटर की कहानी अलग है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस 6, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 5, यानी सीधे हम लिखते हैं कितना, माइनस 15, ठीक, 3 इंटू 5 यानी 15। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये भैया s है। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, कौन सा काम, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको भी ओपन कर दो, तो ये क्या हो गया 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6s प्लस 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 2s माइनस 9 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कुछ आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम आपकी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ओके, जो आपकी अगली क्लास आएगी, अगले क्लास में मैं आपको इन्वर्स निकालने दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। ओके, और यदि आपको कोई भी डाउट आती है तो आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आपको इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। यदि आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आपका इस पर एक लेक्चर और आने वाला है, ओके, जिसमें हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने बताया। देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी पे है, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, इस ये फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहीं तक छोड़ देंगे तो भी आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मैंने आपके साथ लिनियरिटी प्रॉपर्टी डिस्कस किया, जिसको मैंने पहले ही करा दिया था, यानी क्वेश्चन, फिर मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया। ये दो प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा यूज होंगी। ओके, और यदि मैं आपको बात करूँ इन्वर्स में, तो इन्वर्स वाले मैं आपके साथ क्या क्या कराने वाला हूँ तो मैं पहले ही बता देता हूँ। हम लोग क्या देखेंगे यार, इन्वर्स देखने वाले हैं। ओके, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म। ओके, इन्वर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा कि क्या चीज़ है। ओके, फर्स्ट 5 मिनट में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इसके बाद इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये थ्योरम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम बताऊंगा। साथ ही साथ आप जैसे मैंने इस पर 2-4 क्वेश्चंस कराए, उसी प्रकार से उधर भी आपको 2-3 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। हाँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप क्या करिए, आपके पास सैंपल पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, PYQ होंगे, आप PYQ को सॉल्व करिए, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लीजिए, क्वेश्चंस को लीजिए, और साथ ही साथ 2-4 PYQ लगाइए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। चलिए,
तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, और हमारी और आपकी मुलाकात होगी जल्दी अगले क्लास में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।